हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनकेडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। स्किल सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और आपको डाउनलोड करना है अनकेडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओआर, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए आपके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स में लगातार वहां पर आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज अभी आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मुझे वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी को लेकर और ये आपका होगा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके हैं टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यूपी पीसीएल एयर एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी व्यायाम प्रशिक्षक क्षेत्र युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पीटीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को और चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को करें प्रेस, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपका पहला दिया गया है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, यानी कि कठोर होता है, विवेकी होता है, मधुर या विनम्र। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मधुर। आगे बात करेंगे, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे बोलते क्या है। चार यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, यानी कि उसे बोलते हैं इंद्रजीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे बोलते हैं इंद्रजीत, जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला उसे बोलते हैं जितेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है, उसे कुलीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। यह आपका क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है या निषेधवाचक है। तो चार यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, यानी कि आपका है इच्छावाचक वाक्य है। आगे बात करेंगे, श्री गणेश का विलोम शब्द यहाँ पर क्या है, श्री राधा है, इतिश्री है, विनाश है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो आंसर क्या है आपका हो जाएगा इतिश्री। आगे बात करेंगे, फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन, पुष्प, तनुजा या कुसुम। चार यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका कौन सा राइट है, यानी कि तनुजा इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका जो है पर्यायवाची शब्द नहीं होता। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दोस्तों दिया गया है अगला, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को बोलते हैं रसराज। आगे बात करें, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, यानी कि यहाँ पर ये तीन पंक्ति लिखी हुई हैं और इनमें से आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर आपका रस है। तो यहाँ पर भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या शांत रस है। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। तो इसे बोलते हैं चौपाई कहते हैं। आगे बात करेंगे, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हिंदी की आदि जननी क्या है, तो चार यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, यानी कि संस्कृत इसका हो जाएगा राइट आंसर, बी वाला इसका है राइट आंसर। दोस्तों, वैदिक संस्कृति से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो बी वाला है इसका राइट आंसर। आगे बात करेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून या 15 सितंबर। इसका आंसर यहां पर आपका है 14 सितंबर को मनाते हैं। आगे बात करेंगे, दिन रात अध्ययन करके भी हुआ प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका है राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है अगला, अविकारी शब्द क्या होता है, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, अव्यय होता है या विशेषण होता है। आंसर यहाँ पर आपका है सी, यानी कि अव्यय। अब जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ। तो अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है और इसके चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अविकारी शब्द होता है। ठीक है, अविकारी शब्द आपके यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्यय। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 32, 34, 33, 36, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा
33 सी वाला इसका है राइट आंसर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को आपको खुद से पढ़ना है और इनके आंसर को आपको यहाँ पर मैच करना है। मैं सिर्फ इनका जो है उत्तर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है आपका, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो यहाँ पर इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी कि रुकावटों को ठोकर मारने की। आगे बात करेंगे, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा यानी कि समझौतावादी, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करेंगे, कुछ भी बन बस कायर मत बन कवि ने क्यों कहा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कायर मनुष्य का जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप लोग मैच करेंगे, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर समझेंगे और उसका अर्थ निकालेंगे। पाहन शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची क्या है, यानी कि पत्थर। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन आपका व्यर्थ है? तो हमने अभी आपको बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि समझौतावादी। क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, इस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है, तो दिक् समास में होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है नवग्रह, यानी कि नौ ग्रहों का समाहार, यानी कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है उसे हम बोलते हैं द्विगु समास कहते हैं। आगे बात करेंगे, राजपुत्र में यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या कर्मधारय समास है? यानी कि यहाँ पर आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल शब्द को यहाँ पर आपको चिन्हित करना है। तो पहला यहाँ पर आपका है समस्या, खेद, कठिनाई या जटिलता, इनमें से कौन सा आपका यहाँ पर भिन्न है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है भिन्न, यानी खेद। समस्या, कठिनाई, जटिलता किसी काम के परेशानियों को दर्शाता है, जबकि खेद क्या है, इनसे आपके भिन्न है। आगे क्या है, घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, इनमें से क्या यहाँ पर आपका भिन्न है? तो परिवार, परिजन, बच्चे क्या है, ये रिश्तों को बताते हैं, जबकि घर क्या है यहाँ पर आपका भिन्न है। तो यहाँ पर आपका ए वाला है राइट आंसर, इसमें क्या है बी वाला है। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, कबीर, तुलसीदास, केशव, आंसर नंबर आपका बी यानी कि कबीर। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो सिंपल से यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदी। दोस्तों संविधान की भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो आपकी हिंदी और लिपि क्या है, आपकी देवनागरी लिपि है। आगे बात करेंगे, कामायनी महाकाव्य के रचयिता यहाँ पर कौन है? तो चार ऑप्शन सिंपल से यहाँ पर आपका है जयशंकर प्रसाद। पृथ्वीराज राशव किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतकाल, भक्तकाल या आधुनिक काल? तो ये दोस्तों आपकी है आदिकाल की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका है राइट आंसर। आगे बात करेंगे, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का यहाँ पर आपका उचित अर्थ बताना है, यानी कि पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है, यानी कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला है, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? मित्र होता है, महापंडित होता है, महामूर्ख या शत्रु होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि महामूर्ख होता है। वाक्य के अशुद्ध भाग यानी कि त्रुटिपूर्ण भाग का यहाँ पर आपको चयन करना है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना हो या कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका जो शुद्ध वाक्य क्या होगा, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, यानी कि बी यहाँ पर इसका है राइट आंसर, जहाँ पर मिस्टेक है यानी कि गलती है, तो बी वाले पार्ट में यहाँ पर आपका मिस्टेक है। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका अगला है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? चार यहाँ पर आपके क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद, ये आपका है राइट आंसर, बाकी सारे यहाँ पर आपके क्या हैं, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके UP SSSC एग्जाम और UP PSL एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरह के प्रश्न और यही सारे प्रश्न आपके फिर से रिपीट होंगे और पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट हैं। और दोस्तों अगर ये पूरा लेसन आपको पसंद आया है, पूरा वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और करें, चैनल को सब्सक्राइब।
और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जैसे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे, और ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर जहां पर आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।